अब काफ़ी कम एज में पॉलिटिक्स में आए हैं और मतलब एक जसपुर एक पाठशाला रहा है इतिहास, मतलब एक पॉलिटिक्स का पाठशाला रहा है। तो ये इतने कम उम्र में आप कैसे पॉलिटिक्स में आए और क्या मतलब क्या लगता है, क्या स्कोप दिखता है? कम उम्र में राजनीति में ज़रूर आए हैं और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो कम उम्र में एंट्री हो गई या पद पा लिया। पर भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व सौंपा है और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैठे बैठे मतलब पद एंजॉय करते हैं। हमारे परिवार में जितने लोग भी सियासत में कदम रखे सब ज़मीनी स्तर से काम करके ही आगे बढ़े हैं, चाहे वो मेरे दादाजी हों। देश में उन्होंने नाम कमाया पर वो बड़े परिवार से होने के कारण उन्होंने नाम नहीं कमाया। बहुत मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर काम करके आगे बढ़े हैं और कोई भी हमारे परिवार में हो, मैं भी बस उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जैसा दायित्व सौंपेगी, मौका देगी और सभी का साथ सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ूँगा। अब अपने दादाजी श्री दिलीप सिंह जुदेव जी के मतलब काफ़ी यो में रहे, मतलब उनके गोद में पले, और अपने चाचा जो काफ़ी मतलब जो स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जुदेव थे उनके मतलब काफ़ी मतलब उनके वो रहे सानिध्य में रहे, आप उनके मतलब गोद में खेले, क्या कुछ सीखा आपने उनसे? सबसे बड़ी बात मेरे काका स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जुदेव जी से मुझे सीखने को मिला। वो हमेशा सिखाया करते थे कि राज घराना राज परिवार अब नहीं है, जो जनता के दिलों पर राज करेगा वही राज करेगा, वही असली राजा होता है। और अपने दादाजी को बचपन से ऐसे में देखते आया हूँ। तो हम लोग का जशपुर में, जशपुर ज़िले के लोगों से चाहे छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई राजा या प्रजा का रिश्ता नहीं है, पारिवारिक हम लोग का रिश्ता है। और ये बात भारत के हर कोने में जो भी हमारे परिवार को जानता है, जशपुर को जानता है, सभी इस बात से वो है कि पारिवारिक रिश्ता है। पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री तब हुई जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे तब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, सारा कुछ आसान था। अब चूँकि प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो ये मतलब एक किस तरह की चुनौती मानते हैं, मतलब चैलेंज क्या है पॉलिटिक्स में? चैलेंजिंग तो है क्योंकि 30-35 साल बाद हमारे ज़िले में जशपुर और कुनकुरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं और 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आई है, तो चैलेंजिंग है। बाकी पार्टी ने जो मौका दिया है सभी युवा मोर्चा की टीम के साथ में, पार्टी के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में रहकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और भाजपा को जिताने का पूरा प्रयास रहेगा। आपके दादाजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव मतलब उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, मिशन घर वापसी। तो मतलब उनके इस मिशन को किस तरह से मतलब आप लोग आगे ले जा रहे हैं? जब दादाजी घर वापसी अभियान चलाया करते थे तो उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव जी को घर वापसी अभियान का उत्तराधिकारी बनाया था। पर मेरे पिताजी का देहांत मतलब दादाजी से पहले हो गया था, एक वर्ष पहले। उसके बाद फिर दादाजी के जाने के बाद में मेरे काका प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी फौरन से यहाँ पर आए, उसके बाद उन्होंने घर वापसी का संभाला और उसके बाद में जैसा भी उनका आदेश हो गया, जो भी मतलब RSS के तरफ से, संघ के तरफ से आदेश होगा वो करेंगे। थैंक यू।